दोस्तों, अगर आप इंफोसिस के शेयर होल्डर है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। अप्रैल 14 को इंफोसिस का Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। थोड़ी देर में हम Q3 का रिजल्ट के बारे में हम आपको बताएंगे, क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं वो चीज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इंफोसिस बाईबैक भी कंसिडर करने वाली है, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग न्यूज था। तो बाईबैक के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। इसके साथ साथ डिविडेंड जो है वो भी क्लियर होने की बात है अप्रैल 14 के दिन में दोस्तों। अब देखिए, इंफोसिस का अभी आप स्टॉक प्राइस देखेंगे तो 1441 रुपीस के आसपास है। अब ये बाईबैक के न्यूज के बाद ये स्टॉक जो है और पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। अब देखिए, ये पेंडेमिक के पहले भी अगर आप देखें तो स्टॉक जो प्राइस था वो 800 रुपए के आसपास था। मुझे याद आता है वो 2019 में जो कंट्रोवर्सी हुई थी तो उस समय में स्टॉक प्राइस गिरा था 650 के लेवल तक, उसके आसपास वो चला गया था। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों स्टॉक प्राइस 700-800 पर था और अभी देखिए 1441 के पास है। अब बाईबैक कंपनी ला रही है तो जरूर इस प्राइस, ये जो 1441 है, इस प्राइस से ऊपर के प्राइस पर ही हम एज्यूम कर सकते हैं, उसी प्राइस पर ही बाईबैक आएगा। तो कंपनी को क्या लग रहा है कि ये जो स्टॉक प्राइस है अभी भी अंडरवैल्यूड है। मतलब अब बाईबैक में क्या होगा, कंपनी अपने शेयर्स को खरीद लेगी। किसके पास से? आपके पास से। कुछ प्रोपोर्शन में जरूर होगा, वो उस प्रोपोर्शन में आपसे वो शेयर खरीद लेगी। तो शेयर होल्डर्स को भी फायदा होगा, समझ लिए, 1800 का भाव आया फॉर एग्जाम्पल, तो आपसे उतने शेयर आपने खरीद लिए तो आपके पास, आपके लिए तो एक प्रॉफिट जैसा हो गया। 1600 हुआ तो भी आपको प्रॉफिट, 1800 तो भी प्रॉफिट, 2000 तो भी प्रॉफिट, अगर 1200-1300 वो तो हम एज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि बाईबैक जरूर कहीं ना कहीं ऊपर वाले प्राइस में ही आएगा। तो शेयर होल्डर्स को यहां पर बेनिफिट होगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम अलग अलग वीडियोज में, जब क्योंकि फंडामेंटल में अलग अलग हम कॉन्सेप्ट यहां पर समझाते रहते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी। दोस्तों अब समझते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या होगा। यहां पर देखिए, कंपनी कितना इनकम करती है उसको आप शेयर होल्डर्स इक्विटी के साथ आप डिवाइड करिए, ठीक है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी बनता है। तो इनकम ज्यादा बढ़े होगी और शेयर होल्डर इक्विटी उतनी है तो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगी। लेकिन अब क्या होगा, कंपनी की इनकम समझ लीजिए उतनी है हम ये, लेकिन यहां शेयर होल्डर इक्विटी कम हो जाएगी, डिनोमिनेटर पार्ट जो है कम हो जाएगा, तो आरओई भी यहां पर बढ़ेगा। और इंफोसिस के केस में तो हम यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं दुगुना प्रॉफिट होगा क्योंकि इनकम तो यहां बढ़ेगी ही और शेयर होल्डर्स इक्विटी भी कम होगी, तो आरओई का और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। और आरओई जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है फंडामेंटल्स में दोस्तों, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है वो कम हो जाएंगे मार्केट से दोस्तों। दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका हम उत्तर जरूर दे देंगे दोस्तों। आगे अपॉर्चुनिटी आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा है इस पेंडेमिक के बाद। अगर किसी को या किसी सेक्टर को अगर फायदा हुआ है तो आईटी सेक्टर है। क्लाउड और डिजिटल एडॉप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा एक्सपेक्टेशन भी है। हम एचडीएफसी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट भी पढ़ रहे थे कि वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आईटी कंपनियां पूरे डेकेड में देने जा रही है, तो रिजल्ट बहुत ही स्ट्रांग रहेगा और जो पिछले 8-10 सालों में जो रिजल्ट है उससे अच्छा रिजल्ट रहेगा। हमको डील्स के बारे में भी पता चलेगा, डील्स किस हिसाब से जीत रही है, बड़ी बड़ी डील्स अगर कंपनी जीते तो फिर एक तरीके से बिजनेस के लिए भी अच्छा है। ज्योग्राफिकल ग्रोथ और इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसा है इंफोसिस का, वो भी हमको ट्रेंड जो है पता चलेगा। मैनेजमेंट क्या कहता है, मैनेजमेंट क्या उनका व्यू है भविष्य के लिए और अभी जो क्वार्टर गया उसके लिए, तो बहुत कुछ हमको पता चलेगा। जो गाइडेंस है उससे इन्वेस्टर्स को एक डायरेक्शन जरूर मिलेगा दोस्तों। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये दिसंबर 2019 और 2020 का कंपैरिजन है। आप देखिए, जो एक साल में यहां पर जो ग्रोथ हुआ था 12.3% रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था, प्रॉफिट देखिए 16% प्रॉफिट यहां पर बढ़ा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30% बढ़ा था दोस्तों। मतलब बहुत ही अच्छा, अगर आप Q3 2019 मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर को आप कंपेयर करते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2020 के साथ, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट था। उसके साथ साथ Q2 मतलब कौन सा, जुलाई अगस्त सितंबर 2020, उसको कंपेयर करेंगे
वहां पर आप तो देख पा रहे हैं कि 5.5% का यहाँ पर इंक्रीज हुआ था, ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के साथ ये जो रेवेन्यू है 5.5% बढ़ा, 4% प्रॉफिट जो है ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा है, और नेट प्रॉफिट देखिए 7.3% भी बढ़ा है। अब ये कौन सा है, क्वार्टरली डेटा, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर 2020 और अक्टूबर 19 अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2020 के साथ अगर आप कंपेयर कर रहे हैं। अब देखिए, अब हम जो भी कंपैरिजन करेंगे, अभी जो मार्च का डेटा आएगा तो ये दिसंबर 31 के डेटा के साथ कंपेयर करेंगे। ये तो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा डेटा था। ये देखिए, नेट प्रॉफिट 5,197 करोड़ है, ये और ज्यादा इंप्रूव होने की उम्मीद है। रेवेन्यू लगभग 26,000 करोड़ के आसपास है, ये और ज्यादा इंप्रूव होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। जो अर्निंग पर शेयर है इंफोसिस का, ये भी बहुत जरूरी है, जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल को या फिर उसको अलग अलग जो भी कैलकुलेशन है उसके लिए अगर हम देखें तो ये भी है, एक ईपीएस भी यहां पर बढ़ने की उम्मीद है दोस्तों। तो ओवरऑल एक अच्छा हम यहाँ पर इंफोसिस का जो रिजल्ट है उम्मीद कर सकते हैं, और रिजल्ट अच्छा उम्मीद कर सकते हैं, इसीलिए कंपनी जो है बाईबैक भी लेकर आ रही है। तो नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स 14th अप्रैल को रहेगी दोस्तों, तो बिल्कुल 14th अप्रैल का वेट करके रखिएगा। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच।